लीजिए जनाब, आखिर वो पल आ ही गया जिसका करोड़ों क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था। भारत पाकिस्तान आल ओवल के मैदान में फाइनल के लिए आमने सामने हैं। दोनों टीमें टॉस का इंतजार कर रही हैं और टॉस होने के बाद शुरू हो जाएगी जंग और कुछ ही घंटों में सब साफ साफ हो जाएगा कौन है सरताज इस ट्रॉफी का। और क्रिकेट फैंस आज के इस मैच के पल पल का मजा लेना चाहेंगे। लीजिए, ये इंतजार भी खत्म हुआ। भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत फखर जमां और अजहर अली की नियमित ओपनिंग जोड़ी ने की। टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी की कमान तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने की। उन्होंने पहला ही ओवर मेडन डाला। चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद वाइड रही, फिर अगली गेंद पर फखर जमां को जसप्रीत बुमराह ने एमएस धोनी से कैच कराकर आउट कर दिया, लेकिन नो बॉल हो गई। बुमराह द्वारा दिया गया ये जीवनदान भारत को बहुत महंगा पड़ा। आठवें ओवर में विराट ने अश्विन को गेंद थमाई जिसमें अजहर ने छक्का जड़ते हुए फखर के साथ 10 रन बना लिए। 10वें ओवर में अश्विन को चौका पड़ गया और इस तरह से 10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 56 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर में बुमराह को चौका लगा तो 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या को। 20वें ओवर में जडेजा को फखर ने 2 चौके लगाए और 20 ओवर बाद पाकिस्तान पहुंचा था 114 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 21वें ओवर में पांड्या ने फिर कसी हुई गेंदबाजी की और 4 ही रन खर्च किए। 23वें ओवर में लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। अजहर अली 59 रन बनाकर रन आउट हो गए। आज पाकिस्तान ने चौके छक्कों का जलवा दिखाया और चौके छक्के लगाते हुए पाकिस्तान ने स्कोर को 30वें ओवर तक 179 रन तक पहुंचा दिया। 31वें ओवर में फखर जमां ने अश्विन को पहली ही गेंद पर चौका लगाकर करियर का पहला शतक 92 गेंदों में पूरा किया। 34वें ओवर में पांड्या ने टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने फखर जमां को 114 रन पर जडेजा से कैच कराया। फखर जमां ने 106 गेंदों में 114 रन बनाए जिसमें 12 चौके 3 छक्के शामिल थे। उन्होंने टीम इंडिया की खूब धुनाई की। 40वें ओवर में भुवी ने तीसरी सफलता दिलाई और शोएब मलिक को केदार से कैच कराया। शोएब मलिक 12 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब बचे थे 10 ओवर। 43वें ओवर में केदार जाधव ने पाक को चौथा झटका दिया। उन्होंने बाबर आजम को 46 रन पर युवराज से कैच कराया। बाबर आजम अपनी 50 बनाते बनाते रह गए। पाकिस्तान रन बनाता रहा और निर्धारित 50 ओवर में 338 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। और इस तरह से पाकिस्तान ने भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान के दिए लक्ष्य का पीछा करने पारी की शुरुआत शिखर धवन और रोहित शर्मा ने की। पाक गेंदबाजी की शुरुआत बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने की और तीसरी ही गेंद पर रोहित को LBW कर दिया। जुनेद खान ने दूसरे ओवर में 2 रन दिए। तीसरे ओवर में मोहम्मद आमिर ने टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। उनकी तीसरी गेंद पर कोहली का कैच अजहर अली ने छोड़ दिया, लेकिन चौथी गेंद पर कोहली को शाबाद खान ने लपक लिया। कोहली सिर्फ 5 ही रन बना सके। 5वें ओवर में धवन ने आमिर को 2 चौके जड़े। भारत का तीसरा विकेट शिखर धवन के रूप में गिरा। शिखर धवन 21 रन बनाकर आउट हो गए और इस तरह से महज 33 रन के स्कोर पर भारत 3 विकेट खो चुका था। तीनों ही विकेट मोहम्मद आमिर के खाते में गए। कोहली को जीवनदान भी मिला था, लेकिन वह फायदा नहीं उठा पाए। समझ में नहीं आ रहा था कि आज भारतीय बल्लेबाजों को क्या हुआ है। 13वें ओवर में शाहबाद खान ने युवराज सिंह को LBW कर दिया। युवराज सिंह 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 14वें ओवर में MS धोनी भी 4 रन पर कैच हो गए। 17वें ओवर में 5 रन बने और भारत का छठा विकेट केदार जाधव के रूप में गिरा। अब भारतीय पारी पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। 17 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर महज 72 रन बन पाए थे। 22वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत के स्कोर को 117 रन पर पहुंचा दिया। 2 चौके और 2 छक्के लगाने के बाद हार्दिक पांड्या भी 76 रन पर पवेलियन चलते बने। पीछे के पीछे रविंदर जडेजा भी 15 रन पर पवेलियन लौट गए और ये क्या, 2 गेंद बाद अश्विन भी पवेलियन लौट गए और इस तरह से भारत का स्कोर था 156 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और अंतिम विकेट भी ज्यादा देर नहीं टिक पाया और पाकिस्तान ने आज का महामुकाबला 180 रन से जीत लिया। अपनी हार से भी ज्यादा करारी हार दी और चैंपियंस ट्रॉफी का सरताज बन गया।